मोकामा के घोसवारी रामनगर मोड़ पर सड़क दुर्घटना में एक वृद्ध की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक की चपेट में आने से वृद्ध जितेंद्र यादव ने अपनी जान गंवा दी। वहीं घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र में बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के दौरान एक युवक लापता हो गया। बताया जा रहा है कि 22 वर्षीय युवक पप्पू शाम के समय नदी में नहाने गया था, इसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं है। फिलहाल गोताखोर द्वारा पप्पू की तलाश की जा रही है। आश्रम घाट पर एक लड़का डूब गया है, जो जिसका उम्र 22 से 24 साल बताया जा रहा है। वो पप्पू यादव है, जो अखड़ा घाट का है, और SDRF के द्वारा खोजबीन जारी है। अभी तक शव नहीं निकला। मुजफ्फरपुर जिले के गाय घाट में विकास कार्य नहीं होने के कारण नागरिकों में काफी नाराजगी है। दरअसल स्थानीय विधायक महेश्वर प्रसाद यादव कई बार क्षेत्र से जीत चुके हैं, इसके बावजूद भी यहां विकास कार्य नहीं हुआ, जिसके बाद नागरिकों ने इस बार नोटा बटन दबाने का फैसला किया है। विधायक जी से तो पहला रहेगा कि ये रोड बनेगा तभी लोग हम वोट देने जाएंगे। अब फिलहाल तत्काल हम लोग को यहाँ पर मतलब कि कुछ जुगाड़ किया जाए ताकि ट्रैक्टर जा सके, हम लोग आवागमन चालू हो सके, माटी गिराया जा सके या फिर ईटा गिरा दे। तो विधायक से यही उम्मीद रखते हैं कि आए तो इस चीज पर ध्यान। अरवल जिला के कलेर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी यूनुस सलीम ने मृत युवक के घर जाकर परिजनों को संतावना दिया। आपको बता दें कि 19 अक्टूबर की रात में सड़क दुर्घटना में मल्लू पासवान के 23 वर्षीय पुत्र की मौत हो गई थी। वहीं इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 20,000 की आर्थिक सहायता दी। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मधुबनी में 23, दरभंगा में 32, समस्तीपुर में 24 और बेगूसराय सहित कुल 99 मतदान केंद्र बनाए गए। वहीं मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। रोहतास के नासरीगंज प्रखंड के उत्तर माध्यमिक विद्यालय में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा और नीतीश की जोड़ी सचिन और सहवाग की तरह। वहीं इस मौके पर रक्षा मंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सहरसा जिले के सुलिंदाबाग पंचायत के वार्ड नंबर 5 निवासी और नल जल योजना में कार्यरत जयप्रकाश गुप्ता से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि घर वापस आने के क्रम में सड़क पर कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने घेर कर उनसे रंगदारी की मांग की। वहीं इस दौरान अपराधियों ने जयप्रकाश पर हमला भी किया।